अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हॉट फैशन वुमेन बूट्स, लेस अप बकल स्क्वायर हील्स एंकलेट बूट्स। बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी ये शूज़ होते हैं, फैशन में बहुत इन है, एंकलेट से ऊपर ही होते हैं ये बूट्स, यानी आपकी जो एंकल होती है वो इसमें छुपी रहती है। उसके अलावा ये लेस्ड अप होते हैं, यानी इनमें लेसेस वगैरह लगी होती हैं, जिससे हमें इन्हें पहनने में भी आसानी रहती है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रीटी भी लगते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हैं सारे के सारे, बहुत ही खूबसूरत, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर अच्छे लगेंगे। इस तरह के ये शूज़ एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, लेकिन हमें जब मार्केट में हम इन्हें देखते हैं, हमें ये इतने अच्छे लग रहे होते हैं और स्पेशली गर्ल्स बहुत सूट करते हैं। गर्ल्स वैरायटी ही दिखा रही हूँ मैं आपको, लेडीज़ पहनना चाहते हैं तो लेडीज़ भी पहन सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। गर्ल्स के लिहाज से इस तरह से जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स होती हैं, वो सोचती हैं जीन्स शर्ट्स के साथ इस तरह की मैचिंग करें या उनके साथ पेयर अप करें, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिटी लगते हैं और कम्फर्टेबल भी होते हैं। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे शूज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमें काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी होती है, हम कम्फर्ट भी देखते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ खूबसूरत लगे। या तो आप जॉगर्स ले सकते हैं या इस तरह के लेस्ड अप बूट्स ले सकते हैं। बहुत ही प्रिटी प्रिटी से डिज़ाइन है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, मैट शेड भी और प्रिंटेड शेड भी। प्रिंटेड भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आई मोस्टली प्रेफर मैट। मैट शेड्स की एक ग्रेस होती है कि वो जल्दी से हम उनको क्लीन अप कर सकते हैं या ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं, धुल भी जाते हैं, वॉशेबल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे बूट्स हैं जो वॉशेबल होते हैं। मैं अक्सर ऐसा होता है अपने वैंस वगैरह भी वॉश करवा लेती हूँ, ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, उससे उनकी ग्रेस ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। क्योंकि बहुत टाइम अगर हम कोई एक शूज़ को यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेस ख़त्म हो जाती है, मिट्टी वगैरह हम जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लें लेकिन जब तक वो अच्छे से वॉश नहीं होता, उसका कलर जो होता है निखर के दोबारा से नहीं आता, मिट्टी उसमें जम जाती है, तो इसलिए उसको आप वॉश करवा लें तो भी बेहतर है। लेकिन अगर आप कहीं एक दो दफ़ा आने जाने में पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, आप सोच रहे हैं कहीं अच्छे फंक्शन में ही पहने, तो उसमें इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। लेकिन मैं अपने शूज़ का सोचती हूँ, अगर मैंने एक दफ़ा ले लिया है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनूँ कि उसकी मुझे कीमत वसूल हो।